दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत ही सरल बहुत ही सटीक वेट लूज का फॉर्मूला शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा फार्मूला जिससे आप 15 दिन के अंदर आप अपने वजन को 1.5 से 2 किलो घटा सकते हो। ये बहुत ही सरल और सटीक घरेलू नुस्खा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं तो आज का वीडियो पूरा देखना, और ये जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसको रेगुलरली फॉलो करना। 15 दिन के अंदर आप अपने वजन में अच्छा खासा फर्क देखोगे, और हाँ फिर उसके बाद कमेंट्स करना, उस वीडियो को लाइक करना। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता, और आज का वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसलिए पूरा देखना, इसकी मत करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये दोनों ड्रिंक क्या है और कैसे इसका सेवन करना है आपको रोजाना, सारी जानकारी और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट हैं ये भी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाने वाले हैं हम लोग जीरे का पानी। तो यहाँ पर 1 गिलास पानी ले लिया है और 1 चम्मच जीरा मैं इस पानी में ऐड करूँगी। चम्मच से चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे ढक कर यूँ ही रात भर के लिए छोड़ दीजिए। जीरा हमारे वज़न को घटाने में बहुत अधिक फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है अगर वो कम है तो हमारा शरीर शुगर और फैट का उपयोग नहीं कर पाएगा, जिससे मोटापा हमारा बढ़ता है। जीरे का पानी मेटाबॉलिक रेट की दर को बढ़ाने का काम करता है, जिससे वजन आसानी से कम होता है। जीरा में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। साथ ही आपको बता दूं, जीरे में सबसे कम कैलोरी पाई जाती है। 1 चम्मच जीरे में केवल 8 ग्राम कैलोरी पाई जाती है, जो वज़न कम करने में हमारी हेल्प करती है। और आपको बता दूं, जो खाना हम लोग रोज़ खाते हैं अगर उसमें कैलोरी की मात्रा अधिक रहेगी तो हमारा वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बनाते हैं सौंफ का पानी। तो 1 गिलास पानी ले लिया है और 1 चम्मच सौंफ इस पानी में ऐड करेंगे और ढक कर पूरी रात भर के लिए रख देंगे। दोस्तों जो सौंफ होता है उसे फैट बर्नर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खाली पेट सौंफ का पानी पियेंगे तो आपका जो वेट है बहुत जल्दी लूज़ होगा, आपको असर 15 से 20 दिनों में दिखने लगता है। साथ ही सौंफ में कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम पाया जाता है, और इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, आयरन होता है, सेलेनियम होता है और मैग्नीशियम भी होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि सौंफ कितना अधिक फ़ायदेमंद है। और अगर आप सौंफ का पानी नहीं पीते तो आप रोज़ाना सौंफ का सेवन भी करते हैं तो मुँह की बदबू भी निकलती है। मुँह को फ्रेश करने के लिए हम इसका सेवन करते हैं और ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिससे जो कैलोरी की मात्रा है वो बर्न होती है और हमारा फैट घटता है। दोस्तों हम लोग ने जीरे के पानी के फायदे जान लिए, अब जान लेते हैं नुकसान। दोस्तों अगर आप एक गर्भवती महिला हैं तो आपको जीरे का पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है तो आपको जीरे का पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा अगर लंबे टाइम तक जीरे के पानी का सेवन किया जाए तो लीवर और किडनी को नुकसान हो सकता है, तो इसकी मात्रा कम समय के लिए और कम मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम रहती है तो ज़्यादा मात्रा में जीरे के पानी का सेवन करने से या जीरा का सेवन करने से ब्लड शुगर का स्तर कम हो सकता है, तो हमें इन कंडीशन में जीरे का पानी पीने से बचना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं सौंफ के नुकसान। दोस्तों अगर हम सौंफ का ज़्यादा सेवन करते हैं तो छींक, पेट दर्द या जैसी एलर्जी हमें हो सकती है। इसके अलावा वैसे तो कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी माना जाता है कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कि सौंफ का ज़्यादा सेवन करने से स्तन कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा जो महिलाएं अपने बच्चों को फीडिंग करवाती हैं, दूध पिलाती हैं, उन्हें भी सौंफ का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अच्छी चीज़ों का भी अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए हर चीज़ को लिमिट में सेवन करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ा है या आपको कोई बीमारी है, तो मैं आपसे कहूँगी कि कोई भी सामान, कोई भी नई चीज़ ट्राई करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क ज़रूर करें। जी हाँ, क्योंकि बहुत तेज़ी से भी वेट लूज़ हो सकता है तो भी हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है, तो डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये दोनों ड्रिंक कैसे पीनी है। दोस्तों आपको रेगुलर इन दोनों ड्रिंक का सेवन करना है। रेगुलर का मतलब ये है कि अगर एक दिन आपको जीरा पीना है तो दूसरे दिन आपको सौंफ का पीना है, फिर आपको जीरे का पीना है, फिर आपको सौंफ का पीना है। आगे भी आपको ऐसा ही करना है, रोज़ाना करना है। और हाँ, ये दोनों ड्रिंक आपको रात में भिगो के रखना है, यानी जीरे और सौंफ को, और सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। जी हाँ दोस्तों, और हाँ आप चाहो तो उसको छान के पी सकते हो, नहीं तो आप इस तरह
ऊपर से चम्मच से इसे निकाल के इसका भी सेवन कर सकते हो। तो दोस्तों कल मैंने सौंफ का पिया था, तो आज मैं जीरे का सेवन करने वाली हूँ। मैंने जीरा नहीं निकाला है क्योंकि मेरे को जीरा बहुत पसंद है, तो एक दो दाने आ भी जाते हैं तो बड़ा टेस्टी लगता है मुझे। बस इस तरह धीरे धीरे करके जीरा का पीना है। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, सौंफ और जीरा दोनों का स्वाद अच्छा लगता है। और ये खुशबू और स्वाद के लिए तो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये, बिल्कुल ख़राब नहीं लगने वाला। सौंफ और जीरा दोनों ही अच्छे लगते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी टेस्टी हेल्दी ड्रिंक है और बहुत ही अच्छे स्वाद के साथ आपके वज़न को कम करता है। बस इस तरह आपको रोजाना इसका सेवन करना है, यानी इसको पीना है। दोस्तों बस याद रखना कि जीरे का जिस दिन पियो उस दिन आपको सौंफ नहीं पीना, उसके दूसरे दिन पीना है। इस तरह आप कंटिन्यू करेंगे, 15 दिन के अंदर आपको अच्छा खासा फर्क महसूस हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इसे लंबे टाइम तक यूज कर लिया तो मन चाहा वजन आप पा सकते हो अपने शरीर का। तो दोस्तों आप इसे कंटिन्यू करो, इसको पियो, और पीने के बाद 15 दिन पीने के बाद आपका क्या अनुभव रहा मेरे साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। और हाँ दोस्तों, इस ड्रिंक को लेकर कोई भी मन में सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।